तो भाई अभी टायर्स पे स्ट्रिप्स लगा रहे हैं ताकि ये स्लिप ना करे, क्योंकि अभी उतराई पे लेके जा रहे हैं इसको हम। लेकिन अभी यहाँ पे -3 या -4 चल रहा है। बहुत ही प्यारा सीन है। ये जो टायर है उनको ही उठा रहे ना सारे दिन में, इतने से टायर भी नहीं गुजरे कि इसको साफ कर देंगे। स्लिपरी तभी कह रहा हूँ, यही वाली चीज स्लिप करती है ना। मैं लगाया रखे तो और भी ऑलरेडी लगाया हुआ है इस चीज का काफी आते हैं। हां बहुत ज्यादा फोर व्हील का, तो जहां टायर चारों टायर घूम रहे होते हैं गाड़ी है। तो यहां से वापसी पे सिटी की ब्रेक काम करना छोड़ गई थी, कुछ सिर्फ बड़ा है वे को फू यानी कि इसे उतराई हो माशाल्लाह इसकी तो गाड़ी है। हां फोर व्हील भी हो बस टायर भी ग्रिप पे बहुत ज्यादा लगा, तो अब ये डाउन हो असिस्ट उधर रोक ही जाएगा इसने। ये मेरे पीछे हो गया, ये खुद ब्रेक मैनेज कर रही है, खुद मैनेज कर रही है, रेस भी खुद मैनेज कर रही है, खुद मैनेज कर रही है। रेस तो आप दे सकते हो, दे सकते हैं, लेकिन उसे ब्रेक लगाई जानी है ना। हाँ रेस दे भी इसके अंदर कौन सा सेंसर यही काम करता होगा डाउन, यही मैं पहले पूछ रहा था सेफ से कि वो डिस्क ब्रेकिंग काम करती है इंजन। मेरा ख्याल है इंजन भी करता होगा। नहीं मेरी बात सुनो ना, क्लच ब्रेकों के साथ ना एक सिस्टम है। हाँ जी स्किपिंग नहीं, ये लग गई, ये खुद ही लगाई है आपने लगाई है, ये उसने लगाई सी। अच्छा ये देखो, तो ये तो उसके बगैर लग नहीं सकती। हाँ ये वाली ब्रेक उसके बगैर नहीं लग सकती, सही है। अच्छा वो खुद ही लगा रहा है खुद ब्रेक मार देती है सही, उसको पता चल रहा है प्रेशर आ रहा है उस तरह को। अब ये देखना मैं रेस रेस लेती है लेकिन ब्रेक फिर करती है खुद ही मार देगी जब रेस ज्यादा लगेगी उसे। और अब एक और चीज नोट करो, एवी बेतुकी ब्रेक नहीं मार रहा, बिल्कुल ही ब्रेक लगा देता है। लेकिन ये तो डेंजरस भी है एक तरह से, कि अगर पीछे से गाड़ी चढ़ी हुई है तो एकदम वो ब्रेक लगेगी। तो क्या बना, तो यार अभी नथिया गली जा रहे हैं, रास्ते में स्नोफॉल होने लग गई है। वैसे यहाँ पे स्किडिंग भी है लेकिन लोग चेन यूज कर रहे हैं, अभी तक हमने चेन नहीं यूज की क्योंकि ये गाड़ी 4x4 है तो इसकी वजह से हमने अभी तक चेन नहीं यूज किया, लेकिन एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है जब हम वापस जाएंगे तो यूज करनी पड़ेगी। लेकिन अभी यहाँ पे -3 या -4 चल रहा है और जो स्नोफॉल इस टाइम हो रही है वो बहुत ही मजे की हो रही है, आप देख सकते हैं। तो भाई अभी हम नथिया गली आ गए हैं और जैसे कि रास्ते में स्नोफॉल स्टार्ट हो गई थी तो यहाँ भी हो रही है। हो बहुत लाइट सी रही है लेकिन ये स्नोफॉल बेस्ट होती है ना, इसमें ठंड लगती है और स्नोफॉल भी देख लेते हैं आप। अभी यहाँ से हम होटल लेंगे और होटल लेके हम रात सोएंगे और सुबह मुश्कपुरी के लिए निकल जाएंगे। तो यार अभी एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, गाड़ी के अंदर ये टायर वाली साइड में स्नो कितनी जमी हुई है आप देख सकते हैं कि टायर के तकरीबन 7 लग रही है यहाँ से लेके। अभी ये चलता है तो ये टूटती रहती है और जमती रहती है।
इसके चारों टायर ऐसे हैं, लेकिन हमें फ़ायदा ये है ये फोर व्हील थी जिसकी वजह से ना चेन्स यूज़ करनी पड़ी है ना ये स्किड हुई है, लेकिन नॉर्मल गाड़ियाँ चेन्स के साथ भी उनको दिक्कत हो रही थी। भैया अभी ये मशीनरी सारी एक्टिव हुई हुई है, स्नोफॉलिंग तो स्टार्ट हो गई है इस वजह से, और ये सारा रोड क्लियर करने के लिए कौन गया था। तो अभी इस वक्त हम इलीट होटल में आए हैं, ये बहुत ही फेमस होटल है, बहुत लग्जरी होटल है, और अभी अंदर जाके इसके रूम्स वगैरह चेक करेंगे। यार अभी फुल स्नोफॉल हो रही है, फुल से भी ज्यादा कहूँ तो सही होगा, इस टाइम नथिया गली में बहुत ज्यादा तेज स्नोफॉल होने लग गई है। ये हौसले में हम इसलिए कि होटलों के पास फिर रहे हैं। बहुत तेज स्नो पड़ रही है और हर चीज ही स्नो से भर चुकी है, आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी स्नो है, बहुत ही प्यारा वेदर है। आप देख सकते हैं कि अभी सारा रोड ये स्नो से भर रही है जिसकी वजह से गाड़ियां स्लाइड भी होने लग गई हैं। अब तो इसलिए अब हम होटल ले के अंदर जाने लगे हैं कि एक खुद को ड्राई कर लें और अपना रेस्ट कर लें, क्योंकि अब काफी ज्यादा हमने फिर लिया है। क्या टेम्परेचर है? -5 भाई, -5 है इस टाइम होटल में, तकरीबन आधे लोग सो गए और आधे जाग रहे हैं। ये देख लें होटल के कमरे के अंदर ऐसे फिर रहे हैं। 78% स्नो, मतलब के बहुत ज्यादा स्नो फॉलिंग हो सकती है। -7 का मतलब है बाहर अच्छी खासी स्नोफॉल, तो कल है -5 तक जाएगा, कल का भी बहुत है, -6 तक जाएगा। ठीक है ठीक है, गाइस यार अभी उठाऊँ कपड़े वगैरह पहने हैं सब ने और बाहर आए हैं, और बाहर का क्या सीन है दिखाता हूँ आपको अपने पीछे, ये देख सकते हैं आप। यार स्नो पड़ रही है सुबह से और अभी तक पड़ रही है, और बहुत ही ज़बरदस्त मौसम है, बट यार ठंड है और वाकई है, बेसिकली हाथ ना सुन रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो एक्चुअली मैंने ये वाले ग्लव्स इसलिए पहने हैं कि मोबाइल कंट्रोल नहीं होता या वीडियो चलानी स्टॉप करनी होती है, तो इसकी वजह से ना इन्हीं ग्लव्स को यूज़ करना पड़ता है। अभी मैं आपको बाहर का सीन अच्छे से दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे ना दिखाई दे रहे थे घर सारे, तकरीबन 5 मिनट पहले एकदम से फोग आ गई है। नहीं यार हाथ बहुत ज़्यादा सुन हो रहे हैं, ये देख सकते हैं, देख सकते हैं आप यार अभी ये गाड़ियां शारियां जो खड़ी हैं उन पर कितनी ज्यादा स्नो पड़ी हुई है। ये हम जिस पे आए हैं वो गाड़ी खड़ी हुई है स्पॉटेज, सारी स्नो से ढकी हुई है, अभी थोड़ी देर और खड़ी रहेगी तो तकरीबन सारी भर जाएगी स्नो से, और अभी टाइम है तकरीबन 9 बजे का। अभी आपको एक और सीन दिखाता हूँ, यहाँ से स्टेयर जा रही है नीचे को, और नीचे बड़ा प्यारा सीन है, आपको वो दिखाता हूँ अभी, अगर मैं स्लिप ना हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ये स्लिप करता है थोड़ा थोड़ा, ये वाली बर्फ़ है इसकी वजह से स्लिपरी होती है।
एक्चुअली मैं नीचे वाला सीन दिखाना चाह रहा हूँ आपको, और वो ये है। बहुत ही प्यारा सीन है। तो भाई इन सीढ़ियों से नीचे आया हूँ, अब इधर से ऊपर जाना है आप देख सकते हैं बर्फ की वजह से ये स्लिपरी है, तो ज़रा एहतियात से जाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ठंड है। पहले मेरी ट्राई यही थी कि मैं ग्लव्स ना पहनूं, लेकिन ग्लव्स के बगैर गुजारा नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ग्लव्स पहने पड़े हैं। और अभी इसी तरह थोड़ी आगे चलते हैं, यहाँ का सीन भी बहुत अच्छा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऐसे यहाँ पर सिटिंग होती है इस वक्त जहाँ पर मैं आया हूँ, और इसके बिल्कुल ही बैक साइड पर खाई है, और यहाँ का सीन भी मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है। तो भाई ये देख सकते हैं आप, ये होटल के सामने वाली जगह है, और अभी यहाँ का क्या हाल है, बहुत ही प्यारा व्यू है यार, बहुत ही प्यारा, मतलब कि दिल को एक सुकून सा मिलता है इस व्यू को देख के। अभी नाश्ता करने जा रहे हैं आगे, और अभी तक लगातार स्नो फॉलिंग ही हो रही है, थोड़ी हल्की है लेकिन हो रही है, और जो टेम्परेचर चल रहा है -5, -4, -5 चल रहा है इस टाइम। सुबह के 10 बजे का टाइम है, और इस वक्त मैं जा रहा हूँ नथिया गली के बाज़ार में, सारे होटल आइए, लेकिन आप देख सकते हैं कैसे स्नो ने कवर किया हुआ है हर चीज़ को, लिटरली आई वॉज नेवर एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ स्नो। क्योंकि इससे पहले मैं विंटर्स में नथिया गली नहीं आया हूँ, लेकिन इस बार वाकई आके पता चल रहा है देयर इज समथिंग यार। और वाकई ठंड में एंजॉय भी होता है, ठंड तो लगती है लेकिन एक डिफरेंट किस्म का एंजॉय होता है, और जो वाइट चादर होती है स्नो की, उससे ज़्यादा सीन्स और ज़्यादा प्यारे हो जाते हैं। तो यार अभी नाश्ते के लिए आए हैं, ये नाश्ता पॉइंट है इधर ही नथिया गली में, और हलवा पूड़ी का नाश्ता करना है इधर से, और उसके बाद आगे हाइकिंग का प्लान है, वो देखेंगे कि जाना है नहीं जाना, क्योंकि जो मुशपुरी की हाइकिंग है उसका प्लान थोड़ा कच्चा हो गया, वो इसलिए हो गया क्योंकि एक तो स्नो नहीं रुक रही है और काफ़ी ज़्यादा ठंड है, तो हम चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा ना हो कि हम ज़्यादा थक जाएँ और हमें या आधे रास्ते से वापस आना पड़े या सारे ना जा सकें, तो हाइकिंग उस जगह की करेंगे जहाँ पर सारे जा सकें। तो इसी के साथ आगे कंटिन्यू करता हूँ अपनी वीडियो को। ये ऑमलेट भी ले लो आसिफ, चले लेने यार, बहुत ठंड हो गई, यकीन मानो कि तब से बाहर फिर रहे हैं नाश्ता करके, लेकिन अब ना अनपियरेबल सीन बना हुआ, बहुत ज़्यादा ठंड है, कुछ -5 चल रहा है इस टाइम, और इस टाइम हर जगह स्नो है, और स्नो रुकी नहीं रही है, सुबह से हो रही है और हो ही जा रही है, कभी तेज़ हो जाती है कभी स्लो हो जाती है। यार अभी गाड़ी निकालने लगे हैं, आप देख सकते हैं बर्फ़ की सूरत हाल, पहले इसकी जो विंड स्क्रीन को साफ़ कर रहे हैं ताकि जो बर्फ़ ऊपर आई हुई है इसी तरह सारी गाड़ी भी आई हुई है, और इस तरह अगर एक दो दिन गाड़ी खड़ी रहे तो बहुत ज़्यादा स्नो भी आ जाती है, इसके वजह से गाड़ी पूरी ढक जाती है, और छोटी गाड़ियाँ तो आसानी से ढक जाती हैं। स्नो फॉलिंग भी तेज़ हो रही है, आप देख सकते हैं कि क्या सीन है भाई स्नोफॉल का, तो इसलिए स्ट्रिप्स के बगैर तो गाड़ी नहीं चलेगी, क्योंकि जैसे ही उतराई है उतराई पर ब्रेक पर भी गाड़ी स्किड करती है, और जो गाड़ी 4x4 है इसके बावजूद भी स्किड करती है, बेशक यहाँ V8 ले आओ वो भी स्लिप करेगी, या तो टायर दूसरे लगवा लो या फिर उसको चेने डाल लो। गाड़ी का हैंडल घुमाते हैं। यहाँ सारी स्लिप हो रही हैं गाड़ियाँ, मैं कहता हूँ चेनेड ला ली, मैं डोन ही असिस्ट, ये इसको दो एक बार ला लो ना थोड़ा यार, हाँ नॉर्मल ही हो जाती है ब्रेक भी। ਬਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਨਾ ਤੇ ਲਵਾ ਲਿਓ, ਲਵਾ ਲੈ ਚਲੋ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, 70 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆ ਨਾਲ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਏ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਆ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੇ
रोक लेना जी। नहीं ओके, पहली गल तो चैन ही है, दूसरी गल इन स्पीड से जान दो जो बड़े काम कर ले। लीम भाई जो फुल स्लिपरी हो जाता ना हाँ, तो फिर वो स्पीड जिन्नी भी है वो गाड़ी ब्रेक लग रही नहीं है हां, वो तो तिलकती जा रही है ना पीछे, ऐसे ही हुआ था गाड़ी तो स्लो थी मुसलसल है उतराई है इतने हूँ आप डोल असिस्ट लगाया वा बेचारी की करे।